Come in, please. Be seated. नमस्ते सर. नमस्ते. बैठे. धन्यवाद सर. आप अपना कास्ट, आप जिस जिले के हैं, इन दोनों को न बताते हुए अपना परिचय दें बोर्ड को. मेरा नाम सचिन कुमार है सर. मैंने अपना स्नातक भूगोल विषय के साथ मगध यूनिवर्सिटी से किया है. मेरा 69वीं BPSC में वैकल्पिक विषय इतिहास है सर. और मेरा हॉबी इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म है सर. और मैं अभी वर्तमान में सहायक अनुभाग अधिकारी के तौर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत. अच्छा, तो क्या ग्रेड पे है आपकी? लेवल 7 का है सर. 4600 ग्रेड जी सर. और अभी आपने जो भरा है उसमें क्या है ग्रेड पे? लेवल 9 का है सर. क्या है ग्रेड पे? क्या है लेवल 9 में क्या है? 53,100 सर. अच्छा, बेसिक. तो सारी पोस्ट भरी है आपने या जिसमें, चूंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं और केंद्र सरकार की एक उसमें हैं, तो आप सारे भर रहे हैं या कुछ प्रायोरिटी आपने चुनी है केवल? सर भर तो दिया सब सर, लेकिन प्रायोरिटी में जो लेवल 9 का पोस्ट है उसको पहले रखा, उसको देखा है. ठीक है. अभी आपका दायित्व क्या है? सर अभी मेरा दायित्व है सर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. तो जो सेक्शन ऑफिसर के द्वारा, जो सर के द्वारा दिया जाता था काम का बंटवारा किया जाता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है. जैसे फाइलिंग का काम हो गया, रिकॉर्ड रखना होता है सर, या फिर अभी सर एक समाधान पोर्टल है तो सर समाधान पोर्टल का निगरानी करना होता है, RTI का रिप्लाई बनाना होता है सर, पार्लियामेंट क्वेश्चन का रिप्लाई बनाना होता है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाना होता है सर. बहुत बढ़िया. आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, श्रम व रोजगार जी सर, और दोनों को लेकर बहुत पूरा देश और खासकर आपका प्रदेश बहुत परेशान है. श्रम तो ऑब्वियसली देता है लेकिन अपने यहाँ नहीं, वो बाहर देता है, और एम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति अच्छी नहीं है. क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बिहार के अंदर ही अगर कुछ बढ़ाना हो तो क्या क्या किया जा सकता है जिससे हमारा ये जो माइग्रेशन है, और खासकर अनस्किल्ड और स्किल्ड लाइफ माइग्रेशन दोनों तरह का, ये रुक सके? सर इसके लिए मेन रूप से दो कदम उठाना पड़ेगा सर. एक कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावना है सर, और एक गैर कृषि क्षेत्र में सर. कृषि क्षेत्र में सर जैसे एक तो चीनी उद्योग पर आधारित हो सकता है सर, और दूसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित. और गैर कृषि में हो सकता है सर सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है. और सर कहीं थोड़ा थोड़ा खनिज है सर, जैसे कैमूर पठारी में, तो उससे रिलेटेड वहाँ सर यानी उद्योग स्थापित किया जा सकता है. जैसे अगर गन्ना की बात करो तो आपके यहाँ होता है, और शुगर इंडस्ट्री जैसे बताया गया, तो एक ज़माने में तो पूरे इंडिया का करीबन 30% से ज़्यादा था, अब 2% भी नहीं है. तो ऐसा क्या हो गया सर? इसका दो कारण सर, कि अभी कृषि तो लाभदायक नहीं रहा सर समय के साथ, और दूसरा सरकार द्वारा भी पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला. तो समय के साथ सर, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम शुगर इंडस्ट्री की ओर जा सकते हैं, अब आज उतनी लाभदायक नहीं है, और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. अगर उतनी लाभदायक नहीं है और आपको रोजगार अपने यहाँ क्रिएट करना है, तो आपने कहा हम खेती और प्रसंस्करण के थ्रू जाएंगे, शुगर इंडस्ट्री उसमें एक आपने ऑप्शन दिया. तो क्या आप करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री यहाँ के लिए एक तरह से ग्रोथ इंजन साबित होगा? सर सबसे पहला तो सर जो शुगर रॉ मटेरियल की जगह सर उसका जो प्रसंस्कृत फॉर्म है उसको, जैसे शुगर से हम लोग चीनी को बना सकते हैं सर उससे, और जो जो मिठाई है जहाँ जहाँ यूज हो सकता है सर, या डब्बा बंद करके जो, और उससे कुछ एक बतासा टाइप का बनता है सर, यानी उसका प्रसंस्कृत फॉर्म को बना के रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है सर. हाँ. और एक सरकार द्वारा उसको इंसेंटिव भी दिया जा सकता है गन्ना से रिलेटेड, कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए सर, आपको बिजली में छूट दिया जा सकता है, बिजली बिल में लैंड सब्सिडी दिया जा सकता है सर, गुड गवर्नेंस के थ्रू उसको प्रॉपर यानी सुरक्षा दिया जा सकता है, ताकि बाहर वाली कंपनी या खुद का बिहार का कोई व्यक्ति उद्योग लगाने में सहज महसूस करें. आपने पहले प्रेफरेंस क्या भरी है? DYSP सर. अच्छा, क्यों पुलिस क्यों? सर मेरा शुरू से ही था उसी में जाने के लिए सर. मैंने इसके लिए पहले ट्राई भी किया सर आर्मी नेवी, और मेरा नेवी में चयन भी हुआ था सर, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया था. अच्छा, आपने कहा कि मेरा पहले से रुचि था, तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे आपके, कुछ करना चाहते थे, या केवल वो वर्दी देखकर आपके अंदर एक आया कि नहीं मैं भी वर्दी पहनूंगा? नहीं सर, थोड़ा तो एक था कि पुलिस के पास एक पावर होता है कि वो अपने कार्यों के द्वारा आम जनता का थोड़ा सा
सेवा कर सके सर, और एक थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है सर, और माँ पापा का भी सपना था कि बेटा थोड़ा सा वर्दी पहने। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या रही है, जिस जिले से आप हैं जी सर, वो नेशनल मैप पे भी रेड जोड़ा जाता है उसको। जी सर, रेड जोन में आता है सर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा कोई इंस्टांस आपने देखा है, कोई आपका ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है क्या कि नक्सली हिंसा का शिकार आसपास, या कोई ऐसी चीज जो आपने भी फील की हो? एक घटना हुआ था सर, जिसमें नक्सलियों के द्वारा मेरे गांव के बगल दूसरे पंचायत में वहां के मुखिया का कत्ल कर दिया गया था सर। अभी क्या हालात है नक्सली? अभी तो सर उसके बाद सर थोड़ा सा CAPF यानी पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा, और अभी एक थाना भी बना दिया गया मेरा यानी प्रखंड यानी इसको सर सॉरी पंचायत को, तो अभी सर स्थिति कंट्रोल में है सर। अच्छा, नक्सलवाद, अब तो नक्सलवाद नहीं रहा, इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं कि नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, वामपंथी उग्रवाद में और नक्सलवाद में क्या अंतर है, और माओवाद में क्या अंतर है? देखिए, शुरू में कहा गया माओवाद है, फिर नक्सलवाद हुआ, फिर अभी जो हमारी गृह मंत्रालय है उसे नक्सलवाद आम पब्लिक भाषा में बोल सकती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन अगर ऑफिशियल आप डिक्लेरेशन देखेंगे तो इसको बोलती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। क्या अंतर है सर? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, माओवाद सर जो माओ के विचार से प्रभावित होकर जो जहाँ जहाँ शुरू हुआ सर, और नक्सलवाद सर यानी पश्चिम बंगाल का एक नक्सलवाड़ी जगह है सर, वहाँ से जो जमींदारों के विरुद्ध एक्चुअली शुरू हुआ था सर, कि उन लोगों के पास ज़्यादा जमीन था, जमीन छीन लिया गया था, तो जमीन का समान वितरण करने के लिए या जमींदारों से जमीन छीनने के विरुद्ध हुआ था। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सर, सॉरी सर उतना तो पता। अच्छा अच्छा, आपने बताया भी और मैं आपके डेफ को देख भी रहा हूँ कि आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया वो भी, और लेकिन ऑप्शनल हिस्ट्री ले लिया है ना? जी सर। ऐसा क्यों सर? जैसे मैंने ज्योग्राफी ऑनर से तो किया सर, लेकिन मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट में हिस्ट्री भी था सर, पॉलिटिकल साइंस था और हिंदी भी था, तो मुझे पढ़ने के दौरान सर हिस्ट्री थोड़ा अच्छा लगा, और सेकंड था सर कि BPSC में अच्छा खासा पोर्शन सर इतिहास का है सर, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, मतलब दोनों आधार है, एक इंटरेस्ट का आधार है, रुचिकर का आधार है, और दूसरा स्ट्रेटेजिक बेस भी है। जी सर। तो स्ट्रेटजी और इंटरेस्ट दोनों को मिला के। इतिहास में सबसे अच्छा कालखंड आपको कौन सा लगता है? मौर्य काल। क्यों सर? सबसे पहला उन्होंने एक अखंड भारत, जो अभी हम लोग बोलते हैं सर, एक अखंड भारत को स्वरूप दिया सर, प्रशासनिक रूप से एकीकरण किया। दूसरा अशोक द्वारा ही सर बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया और जो अभी एक वैश्विक धर्म के रूप में उभरा। तीसरा है उन्होंने सर उसी के शासनकाल में एक मतलब सर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर उन्होंने जोर दिया, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया। और चौथा सर उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझा, जो आज के दौर में भी प्रासंगिक है सर। अच्छा, कोई एक बात जो मौर्यों ने भूल की हो जिसके कारण उनका साम्राज्य विघटित हो गया हो, या नेशन मेकिंग की जगह अनमेकिंग शुरू कर दिया हो? सर एक कारण स्पष्ट है सर, जो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था था सर, जब तक राजा माइटी था सर तब तक तो शासन यानी मौर्य साम्राज्य पूरा एकीकृत रहा, जैसे ही राजा का उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुआ बिखर गया सर। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अशोक की गलतियों से भी ऐसा हुआ, और खासकर जरूरत से ज़्यादा, देखो कई बार ऐसा होता है जब कोई पर्सनालिटी अपने आप को ज़्यादा विशिष्ट बनाना चाहती है, महान बनने की कोशिश करने लगती है, तो देश का नुकसान कर देती है। ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने भी किया, अपने आप को विश्व का महानतम और दिखाने के चक्कर में, जो उस समय की, हम 21वीं सदी की बात नहीं कर रहे, हम जब BC एरा में बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व, तो ऐसे समय में अत्यधिक अहिंसा, अत्यधिक धम्म की बात करने से भी क्या हुआ, वो साम्राज्य में कमजोरियां आने लगी। सर मान सकते हैं सर, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा आरोप लगाया, लेकिन सर देखा जाए तो जब अशोक राजा बना था सर, उससे पहले पूरा भारतीय महाद्वीप एकीकृत हो चुका था सिर्फ कलिंग को छोड़ के। जब 261 ईस्वी पूर्व के आसपास जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसको भी जीत लिया, अब अशोक के पास जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और दूसरा रीजन सर, वो व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहता था, तो उसके लिए शांति जरूरी था सर, तो यही दो रीजन। अच्छा, जैसे
अशोक को जब भी हम लोग महानतम शासकों में लेते हैं, है ना, तो आप मानते हैं कि कुछ लोगों ने कहा वो बौद्ध था, तो क्या अशोक बौद्ध था? सर बौद्ध तो अपने वो सर कलिंग युद्ध के बाद, लेकिन वो हर एक समान यानी सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया था सर। कुछ अभिलेखों के नाम बताएंगे जहां पे ऐसा लगता है कि वो बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव रखते हैं, और उसमें क्या लिखा गया है, स्तंभ लेख, अभिलेख, किसी में भी? सर पहला ही अभिलेख, सॉरी सर पहले में तो नहीं है, नहीं याद नहीं कर पा, एग्जैक्ट अभिलेख नंबर याद नहीं कर पा रहा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों लिया, कहा जाता है देयर इज नो हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी, भूगोल के बिना इतिहास नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि भूगोल के आधार पर वहां का इतिहास रहा हो और विशिष्ट रहा हो, मतलब भौगोलिक अवयवों ने इतिहास निर्माण किया हो, और एक जगह का भूगोल अगर अलग होगा तो वहां का इतिहास अलग होगा, दूसरी जगह का भूगोल अलग होगा तो उसका इतिहास अलग होगा, कुछ ऐसा? सर इसका स्पष्ट उदाहरण सर मौर्य काल में ही दिखता है सर, अशोक ने सर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ही साउथ में जो थोड़ा सा क्षेत्र तमिलनाडु और केरल का नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ज़्यादा हिली एरिया था सर, तो उन्होंने उचित भी नहीं समझा कि अपना ज़्यादा संसाधन वहाँ व्यर्थ करें। और कोई ऐसी बात, जैसे भूगोल ने इतिहास बना दिया मान लेते हैं, कोई ऐसी बात कि इतिहास ने भूगोल बना दिया हो, इतिहास के आधार पर भूगोल बदल गया हो, कुछ ऐसा? सचिन जी आपके नाम का अर्थ क्या होता है? इंद्र भगवान। और आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं? जी सर। तो इतना इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, 2 लाख में बन जाते हैं, जम्मू के लोग आजकल बन रहे हैं सर। वो सर वो पहला तो सर एक फेम कमाने के लिए बना था सर, उसको बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, 2 लाख रुपए नहीं दिया, सिर्फ उसको लाइमलाइट में आना था। तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की स्टोरी लाइमलाइट रील्स और ये चीज़ें अपराध को कहीं बढ़ावा देती, ढकने का काम करती है, आप किसी को मार दो और बोल दो कि प्रैंक है, किसी का पॉकेट ले लो और पकड़ा ले तो दैट इज प्रैंक। जी सर आज के दौर में ये चीज़ें हो रही हैं कि कोई आपका मोबाइल छीन रहा है और पीछे से एक साथ ही कैमरा ले रहा है और आपने उसे पकड़ लिया तो बोलेगा प्रैंक था, वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड हो रहा सर, ये नहीं पकड़ा तो मोबाइल उसका। जी सर ये तो आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते तो क्या मतलब इसमें क्या चाहेंगे, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हो रहा समाज पे खासकर क्राइम में, जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं उसको आप कैसे रोकेंगे, डीएसपी आप बताएंगे? सर इसके लिए तो सबसे पहला सर जागरूकता अभियान चलाऊंगे कि सर कि प्रैंक में और रियल चोरी में भी अंतर होता है, जैसे प्रैंक अपने तक किया जाए तो सही है सर, और अलग दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाए तो उसको चोरी ही माना जाए। हर चीज़ का एक समान आंसर था कि जागरूकता फैलाए, लेकिन सिस्टम ऐसा हो ना कि आदमी खुद ब खुद अवेयर हो जागरूक हो जाए। देखिए मैंने इसलिए पूछा कि आपने पहला पद बिहार पुलिस सेवा लिया, दूसरा जेल सुप्रिंटेंडेंट, दोनों ही एक तरह से माना जाए और ऑफ द रिकॉर्ड की भ्रष्टाचार कर सबसे ज्यादा करप्ट तो जेल होता है जहाँ कोई जानता है, तो ऐसा नहीं कि आपकी भी यही प्रवृत्ति हो? नहीं सर। हाँ हो सकते हैं, आपने दोनों पद वही लिया जहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है। सर, बस सर पुलिस में आने का था वो तो पहले बता दिया रीजन सर। आप भ्रष्ट नहीं, आप कैसे करने सर? मैं अभी तक जहाँ तक काम किया हूँ सर, जेल सुधार के लिए क्या क्या करेगा, बिहार में इतना अपराध है और बहुत सारे पॉलिटिकल और टेररिस्ट का भी देखते हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और ये जो एक्टिविटी आपके एरिया में नक्सली है, तो इसके लिए आप जेल में किस तरह का सुधार लाएंगे, जैसे जेल मैनुअल्स है या कुछ भी है, वहाँ की जेल में मोबाइल फोन्स होते हैं, वहाँ की जेल में लोग फ्रिक्वेंटली आते हैं, प्रिजनर बाहर घूमते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जाके भोजन करते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, सामने वाले गेस्ट हाउस यूज करते हैं, तो उसको आप कैसे रखें? सर इसके 2-3 तरीके से किया जा सकता है, पहला तो जो इलीगल आ जाता है सामान सर उसको गेट पे ही प्रिवेंट किया जा सकता है सर, और दूसरा कि हर एक फोर्टनाइटली या 15 दिनों में निरीक्षण करके सर जेलों का, और तीसरा कि जो दुर्दांत अपराधी है सर उसको अलग जेल यानी सेल में रख के सर कि वो उसका नेगेटिव प्रभाव दूसरे कैदी पर नहीं। आपका डिस्ट्रिक्ट मुंगेर से अलग हुआ है? जी सर। मुंगेर
थाना होता था और 200 किलोमीटर के एरिया में 300 किलोमीटर के रेडियस में कोई क्राइम नहीं होता था अंग्रेज के टाइम में, और अब तो आप बोले मेरे पंचायत में भी थाना है फिर भी अपराध हो रहे हैं, तो क्या रीजन? मतलब जो ये फंक्शनिंग ऑफ पुलिस जो है ना स्पेशली इन बिहार, इसमें आप क्या चेंज लाएंगे या क्या चेंज देख रहे हैं जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है? सर अभी भी पुलिस जनता के प्रति एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा सर अभी भी पुलिस के माइंड में कॉलोनियल माइंडसेट भरा है कि सर मैं अभी मालिक हूँ और जनता नौकर है, तो जिसके कारण जनता सहज नहीं पाते हैं सर उसके पास, और पुलिस के पास जाने से डरते हैं अभी भी। आपके जिले का धार्मिक महत्व बताइए। सर दो फेमस है, एक लछुआड़ जैन मंदिर है सर और एक गिद्धेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और भी कुछ है? और एक हाँ सर, और एक स्टेशन के बगल में मंदिर है सर। तो कुछ और स्पेसिफिक है किसी धर्म को लेके? वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है जैसे बोध गया है। सॉरी सर ऐसा तो याद नहीं कर पा। जैसे महात्मा बुद्ध को धर्म मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में सर। तो जमुनी में ही महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर कल्चरल टूरिज्म है सर और इको टूरिज्म। क्या डिफरेंस है सर? एक पहला डिफरेंस तो एक पर्यावरण संबंधित स्थानों पर घूमना अच्छा लगता है, और दूसरा साथ कहाँ कहाँ गए ये बताएं। अभी सर हाल फिलहाल में केरल गया हूँ सर, तेलंगाना गया हूँ और कर्नाटका गया हूँ सर। उससे पहले महाराष्ट्र गया था सर। केरल सर, केरल वेस्टर्न घाट में आता है तो सर वहाँ इको टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सर, क्योंकि अभी मैं वहाँ यही से हमारे कोसी में मतलब बिहार में कोसी रिजर्वेशन जो है या फिर आपके इस मुंगेर और इस गंगा का बेसिन यहाँ नहीं हो सकता है इको टूरिज्म? इको टूरिज्म है बिहार में भी पॉसिबल है सर, लेकिन सर उसके लिए सर एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी संभव है, क्योंकि अभी दो नागी पक्षी अभयारण्य और एक नकटी पक्षी अभयारण्य को अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है। नवादा में भी है सर एक काकोला जलप्रपात, कैमूर की पहाड़ी में भी हो सकता है सर पर्यटन का संभावना है, जहाँ जहाँ जंगल है सर या उससे संबंधित राजगीर में भी हो सकता है सर। बिहार की संस्कृति में और अभी आपने केरल कर्नाटक के साउथ में क्या डिफरेंस है? जब भी दोनों राइस खाते हैं फिश खाते हैं तो क्या बेसिक क्या डिफरेंस है? अप्रोच नॉट अबाउट द लैंग्वेज कल्चरली सर वहाँ पहला केरल में देखा कि अभी यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला हुआ है सर, उनको शिक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है जो बिहार में कमी दिखता है। और उसके अलावा सर ठीक है आजाद। अच्छा सचिन जी ये बताइए, आपने सुना ही होगा कि इंटरव्यू कुछ नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण, हम परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे कुछ बात पूछ लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के 3 मजबूत पक्ष बता दीजिए और 2 आप अपने नकारात्मक पक्ष बता दीजिए। पहला तो मेरे में इंटीग्रिटी है सर जी, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठ है। ओके, पेशेंस है सर और मैं किसी भी काम को लगातार कर सकता हूँ सर लंबे समय। ओके, नेगेटिव सर यही कि मेरे सोने का बहुत ज़्यादा, मैं लंबा देर तक सोता हूँ सर, इमोशनल हूँ थोड़ा सर। अभी आप हाल फिलहाल में इमोशनल कब हुए थे हमसे इंटरव्यू के दौरान? अभी सर, अभी जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इमोशनल हुए थे बीच में एक क्षण के लिए, कब हुए थे? जो सर अभी पूछे थे कि आप बिहार और केरल का कल्चरल डिफरेंस बता दें। अच्छा, एक बार और बीच में हुए थे, आप सर ने पूछा था कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं तो आप इमोशनल हुए थे। अच्छा ये बताइए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस सर अपना जो इमोशन और सर इमोशन को कंट्रोल में रख कर सर कार्य को करना सर, इमोशन को अपने कार्य पर हावी ना होने देना सर इमोशनल। जैसे आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं और आपके जो 2 नेगेटिव पॉइंट बताए आपने दोनों ही पुलिस के लिए तो बहुत खराब है, एक तो सोने की आदत, दूसरा इमोशनल हो जाना। जी सर, लेकिन दोनों ये आदतें सुधारी जा सकती सर, इसमें मैं सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ सर। अच्छा चलिए अच्छी बात। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था मिस यूनिवर्स इंडिया,
तो इसमें बिहार की तरफ से किसने रिप्रेजेंटेशन किया है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, एक तुवालु द्वीप अभी न्यूज में रहा है। जी सर। कहाँ पर है और क्यों? पैसिफिक पैसिफिक ओशन में है सर। इसमें यह माना गया कि 2050 तक यह द्वीप ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब सकता है। सबसे पहला जो देश है जो शायद वैश्विक जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण डूब सकता है। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग, आपका ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट रहा है एनवायरमेंट को। अब ये बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा रोल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कंपेयर करें? जलवाष्प। जलवाष्प बनने की प्रक्रिया बताइए, कैसे जलवाष्प बनती है? सर जो सबसे पहले तो पानी से गर्म होकर सर संघनित होकर ऊपर जाता है सर। उसमें कोई अभिज्ञान का नियम लगता है संघनन में? सर लगता है तो याद नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके लिए रिसेंट कोई समिट हुई है? जी सर, COP28 हुआ था सर। क्या था उसमें मेन, दो तीन बातें बताइए उसकी। चलिए कोई बात नहीं। आप अंतिम प्रश्न मुझे ये बताइए कि राज्य शब्द दिया गया है आर्टिकल 12 में, तो यहाँ राज्य शब्द का आशय क्या है? राज्य का मतलब सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और वो सभी जहाँ मतलब जो गवर्नमेंट से आशय है सर, मतलब जहाँ आप बैठ करके ये मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं कैसे राज्य के अंतर्गत? नहीं सर ये नहीं आएगा सर, एग्जैक्ट मैं परिभाषा याद नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन समझ रहा हूँ राज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है कोई बात नहीं। सर सचिन जी आप जमुई से हैं और आपने बताया कि मगध विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई को कम्प्लीट। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मगध विश्वविद्यालय सर बोध गया है। इसकी स्थापना किसने और कब की थी? अच्छा भाई जमुई की साक्षरता दर क्या था? लिंगानुपात क्या है? अच्छा बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का 918 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे? गोपालगंज में सर 1084। 1084 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा ये बताइए कि जमुई को कौन कौन से जिले उसके जमुई की सीमा को? सर बिहार में सर नवादा टच करता है सर, शेखपुरा, लखीसराय, बांका और एक मुंगेर है सर, और झारखंड के दो जिले सर देवघर और गिरिडीह। अच्छा और यहाँ प्रमुख नदी कौन सी है? एक है सर अजय नदी और एक क्यूल नदी भी है सर। क्यूल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्यूल सर पवित्र माना जाता है सर नदी। अच्छा ये बताइए कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बनाया डिप्टी एसपी, आपको अगर डिप्टी एसपी बना दिया है तो कौन सा ऐसा आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तीन बुराइयां क्या है जिसको आप जाते ही उसको दूर करेंगे? तीन बुराइयां सर, पहला तो जनता के आम जनता के प्रति सर वो एक्सेसिबल नहीं है सर। दूसरा कि सर अभी भी पुलिस के बारे में ये गलत धारणा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तीसरा सर अभी भी वो है कि वो एक तरह से माली की भूमिका में रहे, तो मैं तीनों को तोड़ना चाहूँगा सर। तो मान लीजिए बिहार में जो डिप्टी एसपी का पद है ये बहुत ही पावरफुल है और ऐसा माना जाता है कि पैसे के लिए सबसे बड़ा पद है, तो अगर मान लीजिए आप डिप्टी एसपी बना दिया गया और आप ज्वाइन करने गए और जहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर आपको लग रहा है कि आसपास चारों तरफ जितने भी आपके कलीग्स हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वहाँ पर जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में आप अपने ऑफिस में जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ के भ्रष्टाचार को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करेंगे? जिस ऑफिस में अगर मैं ज्वाइन करता हूँ सर, अगर मैं वहाँ सबसे सर्वोच्च अधिकारी हूँ तो मैं तो अपने स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करूँगा। कैसे? पहला तो सर किसी पर कार्रवाई करने से पहले तो सर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा कि जो बातें उनके बारे में बोली जा रही है सत्य है, अगर सत्यता पाया जाएगा तो सर प्रॉपर सर कार्रवाई करने के लिए अपने हायर अथॉरिटी को बोलूंगा। चलते ऑलरेडी आप एक सेवा में है, भारत सरकार की सेवा में आप हैं, तो आप केंद्र की सेवा से राज्य की सेवा में क्यों जाना चाहते हैं
और कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेवा में हैं और उसका जो वर्क है वो ऑफिस वर्क है, और किस प्रकार से आप ऑफिस वर्क से निकल के एक तरीके से आप पब्लिक वर्क में जाकर पब्लिक से मिलकर उसके लिए काम कैसे करेंगे? सर, मुझे पब्लिक डीलिंग ही अच्छा लगता है सर ये, और दूसरा कि मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो सर मैं गांव में भी रह सकता हूँ सर, मैं लगभग 12 तक गांव में ही रहा हूँ सर। अच्छा, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अक्षांश और देशांतर जानते हैं? जी सर। जमुई का क्या है, बिहार का क्या है? बिहार का सर अक्षांश है सर 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, 28 डिग्री नॉर्थ, और देशांतर है सर। अच्छा, आपके यहाँ शराबबंदी लागू की गई और शराबबंदी को लेकर बहुत सारे लोगों के अपने में विमर्श हैं। जी सर, आपका अपना क्या मानना है कि इस तरह शराबबंदी सरकार द्वारा आरोपित करना ठीक है? सर मेरे हिसाब से सही है सर, क्योंकि इससे दो सकारात्मक परिणाम मुझे अपने गांव में भी देखने के लिए मिले। पहला सर घरेलू हिंसा कम हुआ सर, और दूसरा सर उन लोगों के पास पैसे की बचत होने लगी, जिसके कारण वो उस पैसे का सर अपने बच्चों की शिक्षा में और दूसरा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। ऐसा नहीं लगता सचिन, फिर पूरे देश को ही लागू कर देना चाहिए और इसी तरह लागू करना चाहिए? देखिए, एक तरफ हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि खाना पीना अब सरकार तय करेगी, आप सभ्यता के 21वीं सदी में हैं, आप जीवन के अधिकार की बात करते हैं, पर एक तरह से तो ये तो एक तरह से सरकार डिसाइड करने लगी हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या पिए। तो आपको लगता है तब भी ये सही है शराबबंदी? सर लोक कल्याणकारी राज्य का है कि सर उस सरकार अपने जनता के प्रति जितना है उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखे सर, शिक्षा का ध्यान, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान रखते हुए सर शराबबंदी का कदम अच्छा कदम है सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड, कास्ट सेंसस को लेकर बहुत चर्चाएं हैं और बिहार उसमें अग्रणी रहा, कास्ट सेंसस करा भी लिया उसने, जी सर, आंकड़े लेकिन जारी नहीं किए। देश स्तर पर ये भारत के लिए अच्छा है या देश को पीछे ले जाएगा कास्ट सेंसस? सर दोनों पहलू है सर, कुछ मामले में अच्छे हैं और कुछ मामले में नकारात्मक। आप किसका समर्थन करते हैं? सर अगर कास्ट सेंसस का उपयोग सदुपयोग हो तो सही। कैसे होगा सर? जैसे इसका अगर सभी कास्ट के बारे में पता चल जाएगा तो उसका टू द पॉइंट पॉलिसी फॉर्मेशन में सही होगा सर, यानी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इजी होगा, सरकार के पास डेटा होगा तो लक्षित योजनाओं को पहुंचा सकता है सर। अगर इसका नकारात्मक दुरुपयोग राजनीतिक प्रयोग से हो तो सर गलत है। ओके, थैंक यू, कैन गो, थैंक यू सर।